नमस्कार, मैं मानसी राठौर। डीजल हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचल। प्रभारी मंत्री विजय शाह प्रभार मिलने के बाद प्रथम बार रतलाम पहुंचे। प्रभारी मंत्री के रूप में जिले में प्रथम आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ अन्य नेताओं ने किया प्रभारी मंत्री का स्वागत। कार्यकर्ताओं से मुलाकात में बोले प्रभारी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता को नहीं दूंगा शिकायत करने का मौका। अपने मोबाइल नंबर भी पार्टी कार्यकर्ताओं से किए साझा। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक एक तो आपके जिले का फोन में दूंगा और दूसरा मेरे जो ऑफिस का नंबर दूंगा, मेरे ऑफिस में भी मैंने। नगर सरकार के सम्मेलन में राजीव गांधी सिविक सेंटर में नियमों के विपरीत हुई रजिस्ट्री के मामले में महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा, मुझे शेखर जी ने बताया कि अनवर साहब से निगम आयुक्त ने लिया रजिस्ट्री करवाने के 70 लाख रुपए। देखिए मामले का खुलासा करती विशेष रिपोर्ट। मेरे को तो शेखर भैया ने आके बोला कि महापौर जी। और नगर निगम द्वारा भी आयोजित किया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष में विशेष आयोजन। अलकापुर स्थित भारत माता उद्यान में आयोजित हुआ महागरबा रास का आयोजन। प्रभारी मंत्री विजय शाह रेल मार्ग द्वारा सुबह रतलाम पहुंचे। प्रभारी मंत्री के रूप में जिले में प्रथम आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विप्लव जैन, भाजपा नेता प्रवीण सोनी, विनोद करमचंदानी सहित अन्य भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। प्रशासन की ओर से कलेक्टर राजेश बाथम, एसपी राहुल लोधा, एएसपी राकेश खाखा, एसडीएम अनिल भाना ने प्रभारी मंत्री की अगवानी की। प्रभारी मंत्री सर्किट हाउस से रंगोली सभागृह रवाना हुए, जहां उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। संगठन को साथ लेकर के और आपके कामों को सत्ता में सुविधा पूर्वक काम हो, आम कार्यकर्ता निराशा में ना रहे, उसकी जवाबदारी शर्मा जी ने, विश्वजीत जी ने, हमारे मोहन जी ने संगठन ने मुझे दी है। मेरी ओर से पूरा प्रयास होगा, हर महीने 2 दिन आपके साथ रहूं। हमारे अध्यक्ष और जिले की हमारी कार्यकारिणी लगभग 100 लोग होते। मैंने एक नया मोबाइल खरीद लिया है और आपके 100 नंबर उसमें डाले, इसलिए दूसरा फोन भी नहीं दे रहा हूँ आपको। रतलाम जिले के ही फोन नंबर दूंगा ताकि आप कभी मुझे फोन करो तो अगर मैं नहीं बात कर सकता हूँ तो मेरे सोने के पहले यहाँ का रतलाम के लिए मैंने PABLM डिसाइड कर दिया है। मेरे सोने के पहले अगर ये 100 लोगों के फोन आते तो मेरे पीए की जवाबदारी है कि मेरे को सोने के पहले आपसे बात जरूर करना, क्योंकि शिकायत लेके जिलाध्यक्ष के पास प्रभारी मंत्री के अगले दिन ही जाओगे, उस दिन तो जाओगे नहीं, वो मौका मैं देने वाला नहीं। ठीक है सर, वो मौका मैं आपको नहीं दूंगा। और भी कार्यकर्ता बात कर सकते हैं जो पदाधिकारी नहीं है, लेकिन उनके लिए सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक एक तो आपके जिले का फोन में दूंगा और दूसरा मेरा जो ऑफिस का नंबर दूंगा। मेरे ऑफिस में भी मैंने दोनों जिलों के लिए, क्योंकि हम लोग को अनुभव इतना हो गया कि क्या क्या समस्या कार्यकर्ता को आती है। नगर सरकार के सम्मेलन में एक और जहां शहर विकास की बात करते हुए अतिरिक्त कर लगाया गया, वहीं नगर सरकार के सम्मेलन में कुछ ऐसी बातें हुई जिससे कि कई बड़े राजनेताओं के चेहरे से भी ईमानदारी का नकाब हट गया। 4 लाइन जो महापौर प्रहलाद पटेल ने नगर निगम में कही थी, एक बार जरा उसे आप फिर गौर से सुनिए। आज मैं आपके बारे में लिख दूं, इसमें जांच में मैं दोषी पाया गया क्या? दोषी पाया, ये मेरे को मिला क्या? क्या विधिवत भेजने की हिम्मत है किसी को? मेरे को कोई विधिवत भेजे मेरे को हिम्मत हो तो कलेक्टर में, उस भास्कर को मैं ये से चैलेंज करता हूँ कि उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया उस कलेक्टर को, तो मेरे को विधिवत भेजे महापौर जी।
महापौर प्रहलाद पटेल ने जो ये शब्द कहे थे वह ऐसे ही नहीं कहे थे, उसके पीछे भी एक वजह थी। जब कोई ईमानदार व्यक्ति के ऊपर किसी और के किए गए अपराध का इल्जाम लगता है तो निश्चित ही ईमानदार व्यक्ति व्यथित और विचलित हो जाता है। उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो महापौर ने नगर सरकार के सम्मेलन में कहे थे। राजीव गांधी सिविक सेंटर स्थित प्लॉटों के नियमों के विपरीत हुई रजिस्ट्री के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी पार्टी आरोपी को सजा देने की मांग करते हुए लोग प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं और हड़ताल अनशन जैसे रुख इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन जब मालूम पड़ता है कि अपराध करने में उनकी ही पार्टी के लोग हैं तो सब आंदोलन धरना धरे के धरे रह जाते हैं। जो नेता अपने कार्यकर्ताओं को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, अपने को पाक साफ होने की बात करते थे, जब ऐसे नेताओं के नाम राजीव गांधी सिविक सेंटर क्षेत्र स्थित प्लॉटों के नियमों के विपरीत हुई रजिस्ट्री के मामले में सामने आ जाते हैं तो भाजपा और कांग्रेस के दोनों नेताओं को सांप सूंघ जाता है। दोनों ही पार्टी के नेता बगले झांकने लगते हैं और सिर्फ बोलता है तो शहर का महापौर प्रहलाद पटेल, और सदन में जब महापौर प्रहलाद पटेल ने अपनी बेगुनाही की बात सदन में रखी तो सदन में सन्नाटा पसर गया। महापौर ने कहा कि मुझे शेखर जी ने बताया कि अनवर ने निगम आयुक्त को 70 लाख रुपए प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाने के नाम पर दिए हैं। वहीं उक्त बात का वीडियो बताने से पहले एक बार हम आपको एक भाजपा वरिष्ठ नेता की भी जानकारी देते हैं जिनका सीधा सीधा उद्देश्य राजीव गांधी सिविक सेंटर स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के मामले में था, और उन्होंने निगम आयुक्त को सीधी चेतावनी भी दी थी कि अगली बार मैं निगम नहीं आऊंगा बल्कि सड़क पर ही बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो देखिए जिसमें महापौर प्रहलाद पटेल कहते हैं कि मुझे जानकारी कब मिली। आचार संहिता के बीच में कमिश्नर ने क्या किया मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को तो शेखर भैया ने आके बोला कि महापौर जी अनवर साहब से 70 लाख रुपए प्लाट के लिए और रजिस्ट्रिया शुरू हो गई। मैंने उसी दिन शाम को कमिश्नर को घर बुलाया। मैंने कहा कमिश्नर साहब ये क्या विषय है, पर आपने कौन से प्लाट के अनवर साहब से 70 लाख रुपए ले लिए। कमिश्नर ने कहा साहब मैंने गलत पैसे नहीं लिए, उसकी रसीद दी है। तो मैंने कहा आपने रजिस्ट्रिया शुरू कैसे कर दी हमारी जानकारी के बिना, और आचार संहिता में आप कैसे शुरू कर सकते हो। बोले मुझे अधिकार है, इसके पहले ये सोचना कि 1500 प्लाट थे जो बिना परिषद बिना MIC बिना मेयर के होते ही चले आ रहे हैं, और इस योजना में भी पूर्व परिषद में भी 1-10 हज़ार फीट का प्लाट हुआ, कुछ और भी प्लाट हुए जिसको कोई MIC नहीं लाया, कोई परिषद नहीं लाया, आप तो हमेशा से नगर निगम में है। मैं तो आपने रजिस्ट्री कांड सदन में उठने के बाद देखा होगा कि हर कोई उक्त मामले का श्रेय लेता हुआ दिखाई दे रहा था। हर कोई यह कह रहा था कि हमने इस मामले में आगे बढ़कर शासन से कार्रवाई की मांग की, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस के नेता। लेकिन जब हकीकत सामने आई और भाजपा कांग्रेस के बड़े नेता ही राजीव गांधी सिविक सेंटर के प्लॉटों के नियमों के विपरीत हुई रजिस्ट्री करवाने के मामले में शामिल है और ऐसे में महापौर दूर दूर तक कहीं शामिल ही नहीं है, तो फिर भाजपा और कांग्रेस के दोनों पार्टी के नेता जो इस मुद्दे की बात करते थे अब उनसे इस मुद्दे पर चर्चा भी करते हैं तो वो मुंह पर उंगली लगाकर बैठ जाते। निश्चित ही जब आपने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया हो जिसका इल्जाम आपके सर पर लग जाता है तो गुस्सा आना जायज है, और उन्होंने कलेक्टर के ऊपर कही गई बात सिर्फ एक गुस्सा जताने का तरीका था। महापौर प्रहलाद पटेल कुशल राजनीतिक नहीं है, वह सिर्फ राजनीति में सेवा की भावना लेकर आए थे। यदि वह कुशल राजनीतिक होते तो शायद नगर सरकार के सम्मेलन में कलेक्टर को बोलने से पहले वह सोचते, और फिर जब पूरे मामले में बड़े नेताओं के नाम खुलकर सामने नहीं लेते, वह सिर्फ अपनी बेगुनाही की बात कर रहे थे और आम जनता उनको बेईमान न समझे इसीलिए उन्होंने पूरी गाथा कह दी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महापौर की मंशा ना तो कलेक्टर को बुरा कहने की थी और ना ही भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं को कुछ बोलने की थी। वह तो सदन में बैठे कुछ नेताओं ने उनको उकसाया और उन्होंने सारी बात कह दी। सारी फाइल निकलाओ, मेरा साइन ढूंढो उसके अंदर, मेरा आदेश ढूंढो कि कमिश्नर को मैंने कहा हो कि तुम रजिस्ट्री करो इसकी। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही था, हमारे शहर के अंदर विकास होगा। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की। कैंसर क्यों होता है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? भारत में महिलाओं में होने वाला सर्वाधिक कैंसर कौन सा है? कैंसर होने का शक हो तो किन से जांच करवाना चाहिए? स्तन में कैंसर के बारे में जल्द से जल्द पता करने के लिए क्या कोई उपाय है? स्तन में कैंसर के क्या लक्षण हैं और किसको कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है? मेमोग्राफी की मशीन द्वारा क्या स्तन के कैंसर का स्टेज 1 में ही पता चलता है?
ऐसे ही सवालों के जवाब एवं स्तन संबंधी ऐसी किसी भी समस्या के लिए मिले स्तन रोग विशेषज्ञ सर्जन से डॉक्टर स्मिता शर्मा स्तन रोग क्लिनिक श्रद्धा हॉस्पिटल काचू नगर रतलाम। संपर्क करें 8962647737 9201041828। एडवांस डेंटल क्लिनिक एंड एम्प्लांट सेंटर, जहां पर उपलब्ध सुविधाएं सड़े हुए दांतों ताड़ों को बिना दर्द के निकालना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इंपोर्ट कर नए दांत लगाना, बिना दर्द के दांतों की सफाई, पायरिया संबंधी इलाज, दांतों में पक्का मसाला भरना, इम्प्लांट कर फिक्स पत्ती सी लगाना, सभी प्रकार के फिक्स्ड दांत व फोल्डिंग दांत बनाए जाते हैं। चांदी और सोने जैसे दिखने वाले दांतों को सही कर पुनः निर्मित करना, जबड़े के अंदर के दांतों का इलाज, तंबाकू की वजह से मुंह ना खुलने वाली बीमारी का इलाज, दांतों को सफेद करना, अक्कल दाढ़ का बिना निकाले इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज ब्रेसेस द्वारा किया जाता है। दांतों से संबंधित सभी प्रकार के फोटो व एक्सरे किए जाते हैं। दांतों की समस्याओं से निजात पाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर पूनम मिश्रा। क्लिनिक संचालन आशुतोष चौहान। पता एडवांस्ड डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शास्त्री नगर, साकेत अपार्टमेंट, सब्जी मंडी के पीछे वाले गेट के सामने, रतलाम। फोन 400877। अमृत सागर तालाब स्थित श्री चार भुजानाथ जी का मंदिर राजपूत समाज पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। भगवान श्री चार भुजानाथ जी और लड्डू गोपाल जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर पर आकर्षक सजावट की गई। रात्रि 12 बजे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जयकारों के साथ माखन मिश्री का भोग लगाकर महाआरती की गई। तत्पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर समाज सहित कई गणमान्य सदस्य गण उपस्थित थे। उक्त जानकारी ट्रस्ट मंडल के ठाकुर भारत सिंह सिसोदिया ने दी। रतलाम नगर की सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने हेतु नगर निगम द्वारा क्रय किए गए 6 ई रिक्शा कचरा संग्रहण वाहनों को महापौर प्रहलाद पटेल ने हरी झंडी दिखाकर कर्तव्य स्थल पर रवाना किया। साथ ही प्रत्येक वार्ड हेतु दो दो हाथ कचरा गाड़ियों का वितरण किया। महापौर प्रहलाद पटेल ने इस अवसर पर बताया कि रतलाम नगर पूर्णतः कचरा मुक्त हो, इस हेतु नगर निगम द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। छोटी गलियां जहां बड़े कचरा संग्रहण वाहन नहीं जा सकेंगे, ऐसी गलियों में 100% कचरा संग्रहण हेतु नगर निगम द्वारा 3 नवीन ई रिक्शा क्रय किए गए हैं। साथ ही नवीन हाथ कचरा गाड़ियों का भी वितरण किया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे अपने घरों व दुकानों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहनों में ही डालें। इस अवसर पर निगम अध्यक्षा श्रीमती मनीषा शर्मा, निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट, विद्युत एवं यांत्रिकी समिति प्रभारी अध्यक्ष अक्षय संघवी, दिलीप गांधी, मनोहर लाल, राजू सोनी, रामू भाई डाबी,
पार्षद परमानंद योगी, योगेश पापटवाल, धर्मेंद्र राका, श्रीमती आयुष सांखला, रमेश पांचाल आदि उपस्थित रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाए जाने के शासन निर्देश के तहत नगर निगम द्वारा अलकापुर स्थित भारत माता उद्यान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बालिका तथा महिलाओं ने राधा कृष्ण का वेश धरकर महागरबा रास किया। महागरबा रास की विजेताओं को महापौर प्रहलाद पटेल ने नगद राशि से पुरस्कृत किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के आयोजित कार्यक्रम में भारत माता उद्यान में आकर्षक विद्युत सज्जा किए जाने के साथ ही आकर्षक झांकियां सजाई गई थी। साथ ही बालिका तथा महिलाओं ने राधा कृष्ण महागरबा रास की प्रस्तुति दी। साथ ही मटकी फोड़ का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर फरियाली खिचड़ी का वितरण भी किया गया। महापौर प्रहलाद पटेल ने राधा कृष्ण महागरबा रास की प्रथम विजेता वर्षा दुबे को 5001, द्वितीय विजेता भावना गुर्जर को 3001 व तृतीय विजेता प्रियांशी पाटीदार को 2001 रुपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा, प्रवीण सोनी, कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा, मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती देवशी पुरोहित सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। बस यही तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रभारी मंत्री विजय शाह प्रभार मिलने के बाद प्रथम बार रतलाम पहुंचे। प्रभारी मंत्री के रूप में जिले में प्रथम आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ अन्य नेताओं ने किया प्रभारी मंत्री का स्वागत। कार्यकर्ताओं से मुलाकात में बोले प्रभारी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता को नहीं दूंगा शिकायत करने का मौका। अपने मोबाइल नंबर भी पार्टी कार्यकर्ताओं से किए साझा। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक एक तो आपके जिले का फोन में दूंगा और दूसरा मेरा जो ऑफिस का नंबर दूंगा। मेरे ऑफिस में भी मैंने नगर सरकार के सम्मेलन में राजीव गांधी सिविक सेंटर में नियमों के विपरीत हुई रजिस्ट्री के मामले में महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा, मुझे शेखर जी ने बताया कि अनवर साहब से निगम आयुक्त ने लिया रजिस्ट्री करवाने के 70 लाख रुपए। देखिए मामले का खुलासा करती विशेष रिपोर्ट। मेरे को तो शेखर भैया ने आके बोला कि महापौर जी, और नगर निगम द्वारा भी आयोजित किया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन। अलकापुर स्थित भारत माता उद्यान में आयोजित हुआ महागरबा रास का आयोजन।